अगर आपके दिमाग में ये तीन सवाल है तो फिर वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। लीडरशिप का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, लीडरशिप रिलेटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे और क्या देना है ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा है बट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सो लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर लीडरशिप। इट मीन्स इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आप किस तरीके के लीडरशिप को कंसिडर करते हो और आपके लीडरशिप क्वालिटी से आप अपने टीम मेंबर का कैसे हेल्प कर सकते हो। सो मेक श्योर करना है कि आपका आंसर जनरल स्टेटमेंट की तरह ना हो और एक यूनिक आंसर हो जिसमें आपको अपने क्वालिटीज बतानी है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग या गुड कम्युनिकेटर। आंसर देते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से आपका आंसर उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा और मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर इम्प्रेस भी नहीं होगा आपके आंसर से। तो आई होप बेस्ट आंसर की क्लैरिटी मिल गई होगी। इसको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज व्हाट आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन लीडरशिप टॉपिक। मेरे पास तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछा जाता है, यहाँ तक कि मैं भी इन क्वेश्चन को जरूर पूछता हूँ इंटरव्यू में। इन क्वेश्चन के आंसर से आपके लीडरशिप स्टाइल को अच्छे से समझ पाता है एक इंटरव्यूअर और लीडरशिप रोल की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ए लीडर टू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम। एंड लास्ट वन इज हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन तो सुन लिया बट व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, बट स्टिल इफ यू आर वॉचिंग टू दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर to subscribe to this channel and hit the like button that inspire me to make more videos to help you all, as I always thought your growth is my passion. So first question is what are the most important skill for a leader to have, yani ki ek team leader mein kaun se skill ko zaruri mana jata hai. Number 1 coaching, number 2 decision making, number 3 good communicator, yani ki ek leader mein sikhane ki kabiliyat ko zaruri mana jata hai. Decision lene wale ko ek leader ke roop mein dekha jata hai और जो अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सके उसको भी एक लीडर माना जाता है। इसके अलावा और भी स्किल होते हैं पर हम लोग ये तीन के बारे में बात करेंगे। सो आपको मैं एक आंसर सजेस्ट करता हूं, बट बेस्ट आंसर आपको क्रिएट करना है, ना कि वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, माई लीडरशिप अप्रोच रिवॉल्व अराउंड कोचिंग एंड मेंटरिंग टू फोस्टर ग्रोथ, मेकिंग वेल इन्फॉर्म डिसीजन थ्रू इंक्लूसिव प्रोसेस एंड मेंटेनिंग क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल। आई बिलीव दिस स्किल आर एसेंशियल फॉर ड्राइविंग सक्सेस एंड फोस्टरिंग ए कोलेबरेटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम, यानी कि आप अपने टीम को कैसे मोटिवेट रखते हो या कैसे मोटिवेट करते हो। एक टीम को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल के नीड को समझी जाए, इंडिविजुअल के गोल और प्रीफ्रेंस को समझ सकें और इंडिविजुअल के स्किल को समझ सकें। सो आपका आंसर भी इसके अराउंड होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, माई अप्रोच टू मोटिवेटिंग माई टीम revolve around understanding and catering to the individual needs, goal and preferences of each team member. By fostering a supportive and empowering environment, I have seen firsthand how it leads to increased motivation, productivity and overall team success. Last question is how do you handle conflict in your team? It means ki agar aapke team mein koi conflict yani ki team member ke beech mein koi issue ho jaye to aap kaise solve karenge? सो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन, एम्पैथी, प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत जरूरी है। सो आपको इसके अराउंड ही आंसर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, माई अप्रोच टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विद इन माई टीम रिवॉल्व अराउंड क्लियर कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड प्रोएक्टिव माइंडसेट। बाय फोस्टरिंग ओपन डायलॉग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी एंड टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, आई हैव बीन एबल टू मेंटेन पॉजिटिव टीम डायनामिक एंड cultivate a collaborative work environment. So that is all about this video. If you have any question, then please mention them in the comment. Please don't forget to like, share and subscribe. You can also follow me on LinkedIn. Link in the profile section. We'll see you in the next video. Till then, take care and keep developing.